हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू भौतिक क्लासेस। माय नेम इज दीपक सैनी। बच्चों, आज हमें एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो है आपका, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस 5×10⁻⁸ कूलम एंड −3×10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर पार्ट। मतलब आपको दो चार्जेस गिवन है बच्चों। पहले डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बना के फिल कर लिया करो। क्यों बच्चे? क्योंकि इससे ना आपके क्वेश्चंस के गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम क्या बनेगा बच्चे, देखो एक चार्जेस ये है, एक चार्ज आपका यहाँ पर रखा है, इसको मान लीजिए Q1 चार्ज और ये हो जाएगा आपका Q2 चार्ज। बच्चे Q1 आपको कितना गिवन है, ये पहला क्वेश्चन है। Q1 कितना गिवन है आपको, 5×10⁻⁸ कूलम। और Q2 कितना गिवन है, Q2 आपको गिवन है −3×10⁻⁸ कूलम। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है। जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे, इट विल बिकम 0.16 मीटर। ओके बच्चों, आगे क्या कहता है, नेट एट ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। यानी बच्चे, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ऊपर आपका किस जगह पोजीशन फाइंड करनी है, कहां पर आपका पोटेंशियल जीरो होगा, कहां पर आपका पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, V=KQ/R। बच्चे हम क्या करेंगे, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे, बी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ये पॉइंट कंसीडर कर लो, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। आपने ऐसा कंसीडर किया कि एक पॉइंट आपने कंसीडर किया बच्चे, कोई पॉइंट ओ यहां पर, जो ए से कितने डिस्टेंस पर था, जो ए से एक्स डिस्टेंस पर था, और आपने कहा कि यहां पर क्या है, पोटेंशियल जीरो होगा। क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। क्लियर है बच्चे बात, पोटेंशियल जीरो। तो ए की वजह से पोटेंशियल निकालिएगा, बी की वजह से पोटेंशियल निकालिएगा, और टोटल पोटेंशियल को क्या रखना है, जीरो रखना है। तो वहां से आपको लोकेशन पता चल जाएगी। देखिएगा कैसे, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या बच्चे, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि V=होता है KQ/R। ठीक, अब पोटेंशियल निकालना है आपको ड्यू टू पॉइंट ए। ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, के एज इट इज। क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी है, Q1 यानी 5×10⁻⁸ कूलम अपॉन, बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स। कितना डिस्टेंस है, एक्स। ठीक है, इसी तरह आप क्या निकाल लोगे, बी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, ओ पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। अच्छा, अगर यहां से ये एक्स डिस्टेंस है, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना बच्चे, ओ से बी तक का डिस्टेंस यानी टोटल कितना था, 0.16, और इसमें से क्या कर दोगे, माइनस बच्चे एक्स, तो आपका ओ से बी तक का डिस्टेंस आ गया। तो पोटेंशियल कितना बच्चे, के। क्यू कितना है, क्यू टू दे रखा है आपको 3×10⁻⁸, 3×10⁻⁸, और अपॉन में बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 0.16 माइनस एक्स। आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है, पॉजिटिव होता है फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। और ये जो बी पॉइंट पर जो चार्ज आपने कंसीडर किया, वो कैसा दिया हुआ है आपको, माइनस। तो बच्चे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, टोटल पोटेंशियल होगा VA प्लस VB, वैल्यू रख दीजिएगा। और टोटल पोटेंशियल कितना है यहां पर इस पॉइंट पर, जीरो। टोटल पोटेंशियल कितना है, जीरो, वैल्यू रखिएगा बच्चे। जब आप वैल्यू रखोगे तो कितना, 5×10⁻⁸ अपॉन एक्स। किसकी वैल्यू रखी, VA की। VB की वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, −3×10⁻⁸ अपॉन 0.16 माइनस एक्स। ये आपने वैल्यू रखी, इसको इधर लेकर आइएगा, प्लस हो जाएगा। तो K×3×10⁻⁸ अपॉन 0.16 माइनस एक्स, ये वैल्यू बच्चे इधर आई, प्लस हो गई, ये यहीं पर रहेगी। तो 5×10⁻⁸ अपॉन एक्स। बच्चे देखिए, K से K कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ और 10⁻⁸ कैंसिल हो गया। ठीक है, बचता क्या है, 3/this and 5/x। तो बच्चे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x = 16×80 यानी 0.8 आ जाएगा, और −5x, इधर आके प्लस, यानी 5 और 3 8x = हो जाएगा 0.8। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो बच्चों, x की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8/8 कैंसिल करोगे तो बच्चे यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी 0.1 मीटर।
यानी आपका ये आंसर हो गया। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बच्चे ये आपका क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये कौन सा है, पहले क्वेश्चन का आंसर। बच्चे बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस ये है कि आपको पहले, सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चे, आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा फील कर लेना है सिचुएशन क्या दी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड कहता है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बच्चे पहले तो सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन बनाइएगा। हेक्सागन क्या होता है बच्चे, जिसकी कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है, यह हो गया। और इसकी साइड कितनी दी हुई आपको, गिवन है बच्चे 10 सेंटीमीटर। कितने गिवन है, 10 सेंटीमीटर। हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट वर्टिक्स। बच्चे इसके हर एक वर्टिक्स इस पर कितने आपने कूलम का चार्ज रखा है, 5 माइक्रोकूलम, यानी सेम चार्ज है तो हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्यू क्यू हर एक। पहले फॉर्मूला जनरली फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या होगा उसके अकॉर्डिंग बाद में वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर कर दो बच्चे, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। हर एक पॉइंट पर आपने क्यू चार्ज रख दिया, डी ई, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एफ पॉइंट, ठीक। बच्चे इसका सेंटर पर आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। सेंटर कैसे मिलेगा, इनके डायगोनल्स को मिला दीजिएगा। डायगोनल्स को जब आप मिलाओगे तो बच्चे आपको सेंटर पॉइंट मिल गया, ये आपने कंसीडर किया, ये पॉइंट कितना है ओ। भाई आपको इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, ये आपने 10th क्लास में भी देखा था, जब किसी एक हेक्सागन को आप बच्चे क्या करते हैं, एक हेक्सागन के अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, जितने उसकी साइड्स होती है, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें। कैसे बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि आपको पता है हेक्सागन की दोनों जो साइड होती है, एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल होता है वो 120 होता है, यानी इसके बीच में एंगल 120। जो आपने डायगोनल बनाया ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये 60, इसी तरह ये 120 और ये इसको बाइसेक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा 60। अब ये भी 60, ये भी 60, तो ट्रायंगल के दो एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल कितना होने वाला है, वो भी क्या होगा 60 होगा, यानी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात समझ आती है बच्चों, आगे चलिएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी आप ये कह सकते हो ए से ओ, बी से ओ, सी से ओ, डी से ओ, ई से ओ, एफ से ओ, सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है, सेम, यानी कितना 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कितना है बच्चे एक्स 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 एक्स, ये डिस्टेंस अब क्या है, सेम है। बात समझ आती है बच्चे, तो अब करना क्या है, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो सेंटर पर, एक चार्ज की वजह, सिंगल चार्ज की वजह से, यानी ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है इसकी वजह से अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल निकालता हूं कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बच्चे टोटल कितने चार्ज हैं, टोटल 6 चार्ज है, और या तो एक तरीका तो ये है कि आप सबके अलग अलग निकालिए, सबको ऐड कर दो, दूसरा तरीका क्या है, एक का निकालिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका टोटल चार्ज, आपको टोटल पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा सेंटर पर कितना है। तो एक पॉइंट यानी ए पॉइंट की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना है करिएगा फाइंड, के क्यू चार्ज कितना है क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है ए और ओ, कितना बच्चे एक्स, ठीक है। अब एक की वजह से निकल गया, 6 की वजह, टोटल के लिए पोटेंशियल निकालना है, और आपको पता है बच्चे हर एक पॉइंट से जो वर्टिसेस आए इसके सेंटर्स तक का डिस्टेंस आपका सेम है, तो क्या हो जाएगा बच्चे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा आपका 6 इंटू के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिएगा, वैल्यू जब आप रखोगे तो कितना बचे, 6 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू आपको गिवन था बच्चे 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू माइक्रोकूलम है तो 10 की पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, अपॉन एक्स कितना है, एक्स है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर बच्चे इसको जब मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। आप क्या करिएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 हो गया, ठीक, तो V इक्वल टू कितना बच्चे, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 39 जा 270 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 4, वो माइनस 6 बचेगा बच्चे कितना, 10 की पावर 4, और इसकी यूनिट या आप इसको लिख सकते हो V इक्वल टू 2 पॉइंट, पॉइंट आपका डेसिमल जो इधर आया अगर 2.7 इंटू
कितनी पावर बढ़ जाएगी, 1 और 2, दो पावर बढ़ जाएगी, हो जाएगी 6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान रखिएगा। बस आपको मेन चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये ध्यान रखना है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है एक हेक्सागोनल को जब आप डायगोनल्स बनाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट, देखिएगा, ये कहता है 2 चार्जेस +2 microcoulomb एंड -2 microcoulomb आर प्लेस एट अ पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर दोबारा डायग्राम जरूर बनाइएगा बच्चों। एक चार्ज ये है और एक चार्ज आपका यहां पर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए पॉइंट पर कितना चार्ज रखा है बच्चे, 2 microcoulomb। बी पॉइंट पर कितना चार्ज रखा है, -2 microcoulomb। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आपको ये बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम बच्चे, यानी इसका कैसा होगा, कहाँ होगा, आपको लोकेशन भी बतानी है और उसका बताना है कि कैसा होगा वो बच्चे। ठीक है, तो एक बात बताइए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बताया था, वो सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सेम, उस सरफेस को क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलोगे आप बच्चे। तो क्या करना है, यानी इस, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, अगर ये क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, नेचर में क्या है अपोजिट। तो ये क्या हुआ आपका, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का सिस्टम हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने केसेस पढ़े थे इक्विटोरियल लाइन वाला, कि उस पर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो बच्चे अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाता हूं जो सेंटर से पास होती है, ये वाली लाइन, और ये यहां पर किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ओ पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल बताइएगा कितना होगा बच्चे। ओ पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी ए की वजह से पोटेंशियल निकाल लोगे, बी की वजह से पोटेंशियल निकाल लोगे। ए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, बी कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो बच्चे ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, बी की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, नेचर में क्या है अपोजिट। तो बच्चे टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, टोटल पोटेंशियल जीरो। तो इसी तरह अगर मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इस लाइन पर ऊपर कोई एक पोटेंशियल, एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, मान लीजिए पी पॉइंट कंसीडर किया, तो यहां से एपी का डिस्टेंस जो होगा वो क्या बीपी के डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा, तो आंसर है बिल्कुल एपी जो होगा बीपी के इक्वल होगा। तो यहां से आप कह सकते हो इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पर निकल जाएगा, बीपी की वजह से पोटेंशियल आपका निकल जाएगा, बी से पी तक का डिस्टेंस आपको पता है सेम है, और यहां से बी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल पी फाइंड कर, पी पॉइंट पर आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो यहां से क्या होने वाला है बच्चे, दोनों का पोटेंशियल सेम है बट एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल जीरो होगा। तो आप ये कह सकते हो इसके किसी भी पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिएगा, पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, जीरो, पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, जीरो। बात समझ आती है बच्चे। और इस लाइन पर अगर मैं एक सरफेस कंसिडर करूं, इस लाइन पर एक सरफेस कंसिडर करूं, तो बच्चे इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, एक प्लेन कंसीडर करता हूं बच्चे, तो इसके हर एक प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होने वाला है, जीरो, पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ठीक है, और आप यही तो बात बोल रहे थे कि पोटेंशियल की वैल्यू जहां सेम होगी वहां पर क्या होने वाला है, उसको क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यानी जो ये सरफेस बनेगा बच्चे, जो ये सरफेस आया, ये जो प्लेन आया आपका, ये कौन सा, ये क्या है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन क्या बोलोगे, दोनों पॉइंट के बीच में, यानी मिड पॉइंट पर इसकी लोकेशन है। और ये कैसा है, ये बच्चे क्या है, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन के नॉर्मल है ये वाला प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर बच्चे, ये तो आपका आंसर होगा ए पॉइंट, ए पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। यानी जो आपका ये सरफेस आया है, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, कैसी होगी, वो चेक करना है। आप ये बताइएगा बच्चों, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अभी देखा आपने ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था,
ये क्या माना आपने कभी, क्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू। आपने एक लाइन बनाई, इसी लाइन पर तो आपने ये प्लेन बनाया था, ठीक है। अब आपको ये कहा जाता है बच्चे कि यहां पर आपको जरा मुझे बताइएगा ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे बच्चों आप लोग, आप फाइंड करते थे कि वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखकर देखो। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखकर देखता हूं तो बच्चे ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट। ये निगेटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो यानी बी पॉइंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर ही होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी कहाँ होने वाली है बच्चे, इधर ही होने वाली है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। आपको करना क्या है, अब कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करिएगा। ये पॉइंट कंसीडर किया, अब यहां से ये पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखकर देखो, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट की वजह से। ये निगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये हो जाएगा बी पॉइंट की वजह से। और बच्चे इन दोनों का जब रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो वो क्या होगा, यानी इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। यानी इसका मतलब ये है, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा बच्चों, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होने वाली है, इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा यहां होगी। यानी अगर इन पॉइंट्स की बात करें तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां, इस डायरेक्शन में होगी। और ये डायरेक्शन कैसी है, वो यही तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसी है। तो बच्चे आप ना इसका आंसर बिना उसके भी दे सकते थे, ये सारी चीजें करे बिना, क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो हमेशा जो एंगल होता है वो बच्चा कैसा होता है, नॉर्मल होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कैसा एंगल है बच्चे, देखिएगा दोनों के बीच में एंगल, यानी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कैसा है, हर पॉइंट पर 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये किसका था बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो आइएगा बच्चे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चे, समझते रहो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चे, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ, मतलब आपके पास एक कंडक्टर है, कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर है, चार्ज ऑफ, आपने इसको चार्ज कर दिया, और इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है आपको, 12 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर है, और चार्ज कितना किया बच्चे आपने इसको, 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलम चार्ज कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। तीन केसेस आपको दिए, एक तो इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर के बाहर, और बच्चे आपको 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी बाहर। देखिएगा तीन केसेस है, सबसे पहला केस की बात करते हैं बच्चे, जो स्फीयर है ठीक है, ये इसके अंदर आपको फाइंड करनी है। अब आपने इस स्फीयर को चार्ज किया, चार्ज जब करते हो तो जो चार्ज होता है बच्चे हमें पता है ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना चार्ज किया, इतना चार्ज किया इसको। अब लेकिन आपको अंदर पूछ रहा है किसी, कोई पॉइंट आपका ए, यहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बच्चे ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होता है बच्चे, जीरो होती है। क्यों होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, क्यों होती है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज जो होता है वो कितना होता है, जीरो। चार्ज नहीं होता आपका स्फीयर के अंदर, चार्ज नहीं होता क्योंकि जो सारा चार्ज, जब आप चार्ज करते हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है बच्चे, ओवर द सरफेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक। यानी फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा आपने, गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब बताइएगा चार्ज ही जीरो है तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचे, जीरो, यानी आपका एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब थोड़ा सा बाहर बिल्कुल बच्चे, यानी बिल्कुल बाहर की बात कर रहा है, बिल्कुल सरफेस से बिल्कुल बाहर। तो उसके केसेस में क्या रेडियस आप कितना लोगे, ये आपने ये जरूर पढ़ा था कि जब आप चार्ज करते हो तो सारा चार्ज कहाँ हो जाता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट बच्चे सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड कैसे होता है, सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये आपको मानना होता है कि जितना आप चार्ज कर रहे हो वो सारा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर पर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है, और ये मान लीजिए कंडीशन, मान लो बी पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिएगा, के की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है 9 × 10⁻¹। क्यू की वैल्यू, चार्ज कितना किया बच्चे, 1.6 × 10⁻¹⁷ अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 12 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करोगे तो 0.12, और इसका भी स्क्वायर करना है तो 0.12, दो बार लिख दीजिएगा। तो क्या बच्चे यहाँ से देखो, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, तो कितना 10⁴ ऊपर आ गया, ये हटेगा पॉइंट, नीचे कितना आ गया 10, और इस 10 से ये कैंसिल हो गया तो 10⁻³ हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 4 × 4 कैंसिल। क्या बचने वाला है बच्चे, क्या बचेगा, 10⁹ और 10³, 10⁻½ और −7, 10⁵। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया बी पार्ट का। सी पार्ट देखिएगा, आपको फाइंड करना है 18 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए ये क्या है 18 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पर ये सी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से आपको 18 सेंटीमीटर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंटर से 18 सेंटीमीटर है। तो ई का फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, रखिएगा वैल्यू, के की वैल्यू कितनी बचे, 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻¹⁷ अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचे, आर कितना है 18 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.818 हो जाएगा, मीटर में चेंज करोगे, और स्क्वायर है तो दो बार इसकी वैल्यू लिखोगे। अब ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, कितना बचा 10⁴ आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल होगा तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 3। अब हुआ क्या, 9 × 2 = 18 और इसको कैंसिल करोगे 8 आ जाएगा, और 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, तो ये आपका बच्चे बचता है 4/9 और 10⁹ और 3 = 12 और −7 10⁵, आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, E इक्वल टू हो जाएगा, एक जीरो उधर से ले लीजिएगा, 40/9 और × 10⁴ आ गया। आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइड करोगे तो 9 × 36, ठीक है, 4 × 9 = 36 × 10⁴ और यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्वेश्चन जो हो जाता है फोर्थ हो जाता है कंप्लीट बच्चे। क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों पार्ट देख लिए, तो ध्यान से समझिएगा। ए पार्ट में क्या किया है बच्चे, ए पार्ट में आपको अंदर फाइंड करनी थी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बी पार्ट में क्या किया है कि आपको जस्ट आउटसाइड द सरफेस, और सी पार्ट में क्या किया है बच्चों, सी पार्ट में किया है आपको बाहर फाइंड करनी थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5th अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 pF। बच्चे आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, इसमें आपने क्या फिल किया हुआ है, एयर फिल किया हुआ है। क्या फिल है बच्चे, एयर। अगर एयर फिल है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, जब एयर फिल है तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगा 8 pF आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहता है बच्चे, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस बाय हाफ, यानी अगर इसका डिस्टेंस हम कंसीडर करें बच्चे, कि डिस्टेंस कितना था d,
अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस को तो हाफ कर दिया, यानी जो डी डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी बाई टू, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन बिटवीन दैम इज फिल्ड विद द सब्सटांस ऑफ अ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी एयर की जगह हमने कोई डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को फिल कर दिया। जैसे ही आप डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को फिल करोगे और उसका डायलैक्ट्रिक मीडियम को फिल करोगे जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 6 है, तो आपको उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, ये तो हमें पता है, लेकिन कितनी हो जाएगी वही तो फाइंड करना है। अच्छा बच्चे, आपको क्या फॉर्मूला पता है, जब एयर था इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर थी, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहां से क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा बच्चे, जब आप इसमें मीडियम फिल कर दिया तो आपकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, वो जाता है आपका फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश, क्योंकि आपने डी भी तो चेंज किया, तो वैल्यू रखिएगा बच्चे के एप्सिलॉन नॉट ए, और डी डैश रखोगे डी बाई टू, तो टू आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी अपॉन ये, और आपको ये पता है बच्चे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके इक्वल है, सी के, और कैपेसिटी कितनी दी थी, 8 पिको फेरेड, तो सी डैश आपकी निकल जाएगी 2k, 2k की वैल्यू कितनी बच्चे, 6, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8 आपको गिवन है, तो सी डैश इक्वल टू 8 टू जा 12, 12 6 टू जा 12, 12 8 जा 96 पिको फेरेड। देखिएगा बच्चों, यानी इतना तो हमने पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस आप क्या करोगे बच्चे, कम कर दोगे, डिस्टेंस कम कर दोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हम मीडियम भी चेंज कर दें, इस क्वेश्चन में क्या कहें, मीडियम भी चेंज कर दे और डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं कितना टाइम्स बढ़ा है, ये कितना था 8 और ये कितना है 96, यानी 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटी अगर ऐसा कोई केस होता है। ठीक है बच्चे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चे 3 कैपेसिटर है, आपने उन तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और तीनों का क्या है कैपेसिटेंस 9 पिको फेरेड, ठीक है बच्चों, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यानी इसका भी कैपेसिटेंस सी सी सी, तीनों का सेम है बच्चे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर पैरल सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला 1 अपॉन सी, ठीक है, इसका भी कैपेसिटेंस सी सी और सी, तीनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3 अपॉन सी, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए C/3, C की वैल्यू कितनी है बच्चे, कैपेसिटी सबकी कितनी है 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 3, तो आपका यानी C इक्विवेलेंट जो आता है बच्चे वो आएगा 3 पिको फेरेड, कैपेसिटेंस कितना आ गया 3 पिको फेरेड, ठीक, ये तो पहले का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट बच्चे ये है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई, यानी बच्चे इसका मतलब यह है कि तीनों कैपेसिटर को अब आपने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ आपको 120 वोल्ट दिया है, तो आपको इसका भी पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका भी पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका भी पोटेंशियल फाइंड करना है, तीनों का पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहला तरीका तो बच्चे यही है कि आप इसको ओरली कर सकते हो, ओरली का मतलब क्या है, तीनों की कैपेसिटी सेम है, और तीनों कैसे है बच्चे, तीनों आपके सीरीज में कंबाइन है, सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन है। अब ये जो जितना आपका पोटेंशियल था 120 वोल्ट, कैपेसिटी सेम है, और बच्चे दूसरी चीज चार्ज भी सेम होता है आपको पता है, तो यहां से जो पोटेंशियल इसका होगा, इसके पास कितना पोटेंशियल आएगा, यानी 120 का 1/3 इसके पास जाएगा, 1/3 इसके पास जाएगा, 1/3 इसके पास जाएगा, तो आप V1 डायरेक्ट निकाल सकते हो, V1 जो होगा टोटल कैपेसिटेंस का 1/3, तो यानी 120/3, तो आंसर हो जाएगा बच्चे कितना 40 वोल्ट, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर कहोगे बच्चे डायरेक्ट नहीं करना तो कैसे करना है, तो ठीक है, आपने C इक्विवेलेंट निकाल लिया बच्चे, बैटरी आपने लगा दी, ये बताना है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज कितना करेगा ये फ्लो, तो चार्ज आपको निकालना है, मान लो Q फ्लो करेगा, तो आपको फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू होता है C × V, और ये क्या है C इक्विवेलेंट, तो यहां से C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई बच्चे 3 पिको फेरेड है, पिको फेरेड का मतलब -12, और V की वैल्यू कितनी है 120,
तो यहां से q की वैल्यू आप निकाल सकते हो, q 12 36 यानी ये हो जाएगा 360 × 10⁻¹2 कूलम, यानी टोटल चार्ज इतना फ्लो करेगा। और इतनी बात आपको पता है अगर सीरीज में कंबाइन होते हैं कैपेसिटेंस तो उनकी उनका जो क्या होता है बच्चे चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है सेम, इस पर भी उतना ही चार्ज, उस पर भी उतना ही चार्ज, उतना ही इस पर, यानी हर किसी पर क्यू चार्ज रहेगा, क्यू मतलब ये। तो पहले वाले के लिए निकालिएगा बच्चों, पहले वाले के लिए पोटेंशियल निकालना है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी इंटू वी, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन सी। यहां से क्या करोगे v की वैल्यू निकाल लीजिए, v1 की वैल्यू, तो चार्ज कितना है इसके बाद बच्चे, चार्ज की वैल्यू आप निकाल चुके हो 360 × 10⁻¹2 अपॉन आपके पास कैपेसिटी कितनी है 9 pF, 9 pF का मतलब होता है 10⁻¹2, 10⁻¹2 से 10⁻¹2 कैंसिल हो गया, और इसको जब आप कैंसिल करोगे बच्चे तो 9 × 36 यानी 40 आ जाएगा, 40 वोल्ट। देखेगा यहाँ भी 40 आया था, यहाँ भी 40 आया था, उससे कोई मैटर नहीं करता बच्चे, और चार्ज सेम है, कैपेसिटी सेम है, तो सभी के जो आपके क्या होंगे पोटेंशियल निकलेगा, इसका भी 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा। तो बच्चे ये थे आपके 6 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, हम क्या करेंगे बाकी के क्वेश्चन भी इसको कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू गाइज़।